आई नो कि ये सब सुन के ना आप लोग भी बहुत थक चुके हो कि आज एनटीए ने आंसर की रिलीज करी है, कल एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की, रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की, ये सब सुन सुन के आपको लगता है कि कितना ज्यादा डिले हो रहा है प्रोसेस। तो जैसे जैसे बच्चे ना एनटीए की आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं तो एनटीए को दोबारा से रिवाइज करनी पड़ जा रही है अपने आंसर की, जो कि एक अच्छा साइन है। ये शो करता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट है अपने आंसर पे कि हाँ मैंने सही करा है, और वो चैलेंज कर दे रहे हैं एनटीए को कि उनका आंसर गलत है। क्योंकि पता है एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 6 मार्क्स अलॉट हो रहे हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का मतलब जैसे 5 मार्क्स तो आपका जो सही होगा उसके मिलेंगे, प्लस जो एक आपका नेगेटिव चला गया था उसको भी एडअप करके 6 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है। एंड यू नो कि कॉम्पिटिशन तो इतना ज्यादा है कि 6 नंबर से आपके हाथ से कोई भी कॉलेज निकल सकता है, ठीक है। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर एक बच्चे को वहां पे चैलेंज करके 6 मार्क्स मिल रहे हैं तो वहीं तो दूसरे बच्चे के 6 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आंसर तो चेंज हो गया, तो उसको अगर 6 मिले तो दूसरे बच्चे के 6 मार्क्स कटे भी हैं। तो बार बार रॉ स्कोर चेंज हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा ना डिवास्टेटेड सा हो जा रहा है बच्चों के लिए। पर अब एनटीए ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप सभी की फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भी लग रहा था कि ये फाइनल आंसर की है, बट इस बार अगर आप वेबसाइट पे जाते हो ना तो वहां जो नोटिसेस चलते हैं उनके सबसे टॉप वाले पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो पीडीएफ के एकदम टॉप पे लिखा हुआ है कि ये फाइनल आंसर की है। और देखो वैसे भी 15 जुलाई तक तो आप सभी का रिजल्ट आना था, ठीक है। 15 जुलाई होने में अब 13 का दिन रह गया है और 14 का दिन रह गया है, और आज आपकी फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। इससे आई वुड सजेस्ट कि जाके रॉ स्कोर अपना चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल है। जो आपका रॉ स्कोर निकलेगा वो आपका फाइनल रॉ स्कोर निकलेगा। बाकी आप अगर नहीं भी करना चाहते क्योंकि इतनी बार आ चुकी है आंसर की, हर बार हम बैठ के अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो कई बच्चे थक भी चुके हैं आप कर करके, आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक दो दिन में आपके पास नॉर्मलाइज स्कोर तो आ ही जाएगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू कि आप जाके कर लो, क्योंकि दिस इज योर फाइनल आंसर की, इसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लग जाएगा पता, एक रेंज का पता लग जाएगा कि नॉर्मलाइज स्कोर आपका किसके आसपास आएगा। दैट मींस कि आप सभी का रिजल्ट अब तो फाइनली बहुत ही जल्दी आने वाला है। बहुत ज्यादा डिले हो गया है प्रोसेस, आई नो अंदर से ऐसा लगता है कि यार जल्दी होना, इतनी देर क्या लग रही है, बट देखो बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, सो यू नीड टू काम डाउन। बाकी अब देखो जैसे आपका रिजल्ट आएगा फिर आपको दिख जाएगा कि आपके कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में कितने ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, कि बीकॉम ऑनर्स के कितने मार्क्स बन रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम के कितने बन रहे हैं, बीए प्रोग्राम के कितने बन रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब दिख जाएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, उनकी कॉम्बिनेशन क्या है, और आपके मार्क्स उन सब्जेक्ट्स के लिए उन कोर्सेज के लिए क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको फेज टू में दिख जाएगा। एंड फेज टू के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है कि प्रेफरेंस फिलिंग आपको कैसी करनी चाहिए, एंड मैं आगे भी जब आएगा ना फेज टू तब मैं उस टाइम भी आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो ले आऊंगी कि आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट करनी है। टिल देन उन सारी वीडियोस को वॉच करो एंड अपनी प्रेफरेंसेस बनाओ। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, और जाके कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। पहले ना जाके मेरी सारी सीयूईटी की वीडियोस देख लेना, उनसे हट के टॉपिक बताना, ठीक है, वो जो मैंने उनमें कवर कर लिया वो मत बताना। कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो जो मैंने अभी तक कवर नहीं करा है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जाके कमेंट ड्रॉप करो, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी फॉर श्योर। बाकी टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक जरूर करना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी अपडेट आए सी यू ईटी की, वो आपके पास पहुंचे। बाकी या बाय।